हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज गेहूं के आटे का डोसा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे का डोसा बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम नमक डालेंगे, आधे चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और 1 कप पानी लिया है, अब इसमें देखते हैं कितना पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर तैयार करेंगे। हमने बैटर बना के तैयार कर लिया, इसमें पूरा 1.5 कप पानी लग गया है। अब इसमें 1 चम्मच इनो डाल देंगे। इनो से क्रिस्पीपन आता है डोसे में। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हो तो दही और बेकिंग सोडा डाल ले। नींबू भी डाल सकते हो आप इसमें। देखिए इनो डालने से कितना अच्छा फूल गया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नाश्ते में क्या बनाए, तो फटाफट गेहूं का आटा लिया और इस तरह से गेहूं के आटे का डोसा तैयार कर ले। ये नुकसान भी नहीं करता सेहत के लिए और आटा हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 1 प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है मैंने। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें राई डालेंगे। आधी चम्मच राई डाल देंगे। 15 से 20 मैंने करी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे। गैस फुल कर दूंगी मैं और इसमें प्याज डाल दूंगी, साथ में हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। अब इन्हें हम भून लेंगे। गैस फुल कर दूंगी इस समय और प्याज को पकने देंगे। प्याज इसमें पक गए हैं, अब आलू डाल देंगे। गैस सिम में इस समय अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, साथ में हरा धनिया डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जो भी मसाला खाना चाहते हो आप इसमें डाल सकते हो। अभी सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तवा गरम कर लिया, इस पे घी लगा लिया है। अब इसे 2 चम्मच करीबन डाल देंगे और इसे धीरे धीरे घुमाएंगे। गैस फुल कर देंगे और इसे सिकने देंगे। जब ये ऊपर से सूख जाए तो इसके ऊपर घी, ऑयल, बटर आप कुछ भी लगा ले। नहीं लगाए तो भी चलेगा, बाकी लगा ले तो और टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे सिकने देंगे। अब इसे इस तरह से सेक लेंगे। अब इसके ऊपर हम आलू का मसाला डाल देंगे। आप इसे प्लेन भी खा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। देखो कितने आराम से छूट रहा है। देखो कितना क्रिस्पी बना है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये गेहूं के आटे का डोसा है। तो इस तरह से बच्चों को आप बना के खिला सकते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी बना के तैयार कर लेंगे। इसमें करीबन 4 डोसा बनके तैयार होंगे। ये हमारे गेहूं के आटे का डोसा बनके तैयार हो गया है। इसे हरी चटनी से भी खा सकते हैं, केचप से भी खा सकते हैं। अगर आपके पास सांभर हो तो आप सांभर से भी खा सकते हैं और नारियल की चटनी से भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।